कांग्रेस पार्टी से जुड़ा प्रियंका चतुर्वेदी वो नाम है जो लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर इसे छोड़कर शिवसेना के साथ जुड़ गया। प्रियंका चतुर्वेदी वो नाम है कांग्रेस पार्टी का जिसने इसकी नींव जनता के बीच मजबूत की, लेकिन आखिरकार प्रियंका चतुर्वेदी बागी हो गईं, पार्टी से अलग चली गईं और सीधे जा पहुंची शिवसेना में। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रियंका चतुर्वेदी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू जिनसे आप अब तक अनजान होंगे। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रियंका चतुर्वेदी की लाइफ से जुड़े उन किस्सों के बारे में जिन्हें आप अब तक नहीं जानते होंगे। 19 नवंबर 1989 को मुंबई में जन्मी प्रियंका चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा जुहू के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई। मुंबई के नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम की। एक सक्रिय पाठक होने के साथ वो एक बेहतरीन ब्लॉग चलाती हैं। उनका ब्लॉग बुक्स के रिव्यू लिखने वाले भारत के टॉप 10 ब्लॉग्स में से एक है। प्रियंका ने अपने करियर की शुरुआत मीडिया पीआर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एम्पावर कंसल्टेंट के तौर पर की। वे प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी रह चुकी हैं जो दो स्कूल चलाते हैं, 200 से ज़्यादा गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था यहाँ देखी जाती है। वहीं अगर प्रियंका के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2010 में कांग्रेस ज्वाइन करके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी से 2010 में वो जुड़ी। 2012 में उन्हें उत्तर पश्चिमी मुंबई के भारतीय युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी का जो पद था वो सौंपा गया। 2013 में कांग्रेस ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। प्रवक्ता के तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी अक्सर बड़े बड़े टीवी चैनल्स में डिबेट करती हुई कांग्रेस की तरफ से दिखाई पड़ी। 2015 में यूके हाई कमीशन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन लंदन द्वारा चुने गए डेलीगेशन में प्रियंका भी शामिल थी। वहां जाकर प्रियंका ने लंदन में लोकतंत्र का अध्ययन किया। इसके साथ ही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि साल 2016 में टॉप 10 भारतीय महिला राजनेताओं की लिस्ट में भी प्रियंका चतुर्वेदी का नाम शामिल रहा। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।